सच्चिदानंद विग्रहम पूर्ण ब्रह्म पदानंदम ईशं आळंदी वल्लभम गोविंद देवं वतिनां वरिष्ठं लब्धमतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। हम छठवें अध्याय के बीच में थे, ये बताया गया था पहले, अभी तक ये बताया गया कि शांति कैसे मिल सकती है, अशांत आत्मा विगत भी ही, ये सब बताया था। और अब ये भगवान अभी अर्जुन को इसका योग का एक पथ्य बता रहे हैं। पथ्य यानी क्या, यानी ऐसे कि कैसा रहना चाहिए। तो इसलिए अभी हम देखते हैं, अभी आज 16वां श्लोक ले रहे हैं। ना तृष्णतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागतो नैव चार्जुन। ये बतलाया है, देखो अर्जुन, ना अति अश्नतः योगः अस्ति, जो अति अश्न, अश्नन यानी अशनम यानी खाना, इसीलिए तो बोलते हैं ना उपवास हो तो अनशनम या निवशनम बोलते हैं, यानी अशन नहीं, खाना नहीं। तो अति अश्नतः, जो दिन भर खाता ही रहता है, जिसको हम बोलते हैं चाहता रहता है, तो ये जो है उसको कभी भी योग नहीं प्राप्त होगा। यानी भले ही वो आसन करे, भले ही वो प्राणायाम करे, लेकिन योग जो है वो उसको नहीं मिल सकता। योग यानी क्या, योग यानी जुड़ना, वो भगवान के साथ नहीं जुड़ सकता। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है, न अति अश्नतः योगः अस्ति, अति खाने वाले को योग नहीं प्राप्त होता, ठीक है। तो फिर क्या हम अनशन करें, दिन भर का उपवास करें, निर्जल उपवास करें? नहीं, भगवान ये भी बोलते हैं, न च ऐकांतम अनश्नतः, पूरी तरह से अनश्नन, पूरी तरह से खाना ही नहीं। होते हैं ऐसे कोई कि जो दिन भर में खाना तो दो कहा, पानी का घूंट भी नहीं लेते, यहाँ तक कि अपने स्वयं की थूक भी नहीं करते। होते हैं ऐसे लोग। तो क्या ये लोग भगवान से जुड़ते हैं, एकांतम अनश्नतः? नहीं, ये भी नहीं। आगे चल के बताया है भगवान ने कि ऐसा करने से वो क्या करते हैं, जो इस शरीर के भीतर मैं बैठा हूँ, मुझको ही तकलीफ देते हैं। भी देह है, देह के धर्म है, देह को भोजन भी चाहिए, नींद भी चाहिए, हलचल भी चाहिए, तीनों चाहिए। और तीनों में से अगर आपने खाना छोड़ ही दिया तो प्राण छटपटा जाएंगे, और ये प्राण छटपटाने से होगा यूं कि हमारा ध्यान भगवान में नहीं रहेगा, स्वयं के भूख के प्रति जाएगा। अरे मुझे भूख लगी लेकिन नहीं, खाना नहीं है, तो स्वयं पे संयम तो है, लेकिन संयम होते हुए भी ध्यान बट जाता है, इसलिए वो भगवान से योग नहीं होता, भगवान से जुड़ नहीं पाता। तो यह बताया है, न अति अश्नतः योगः अस्ति न च एकांतम अनश्नतः। एकांतम यानी कि नहीं, मराठी या हिंदी का अर्थ नहीं है एकांत, यानी अकेले रहना नहीं, पूरी तरह से, यानी जिसको ये बोलते हैं ना बिल्कुल ही नहीं करना, तो वो है एकांतम अनश्नता। जो बिल्कुल नहीं खाता उसे भी योग नहीं मिलता। न च अति स्वप्नशीलस्य, स्वप्न का अर्थ सपना नहीं लेना, स्वप्न यानी स्वाप यानी नींद। अति स्वप्नशीलस्य, 24 घंटे के दिन में जो 18 घंटे नींद लेगा उसको हम बोलेंगे अति स्वप्नशील। तो अति स्वप्नशील जो है दिन भर सोता ही रहता है, वो भी योग से दूर रहता है, भले ही वो उठने के बाद हो सकता है प्राणायाम करें, फिर भी योग दूर है, योग तो
मिलता ही नहीं। अच्छा फिर जागा तो नहीं बचा, जगते ही रहना है, नहीं सोएंगे हम, ये सोचा तो भी नहीं। यानी भगवान ने क्या बतलाया है कि किसी भी चीज़ की अति नहीं करना, उपवास की भी अति ना हो, खाने की भी अति ना हो, सोने की भी अति ना हो, वैसे ही जगने की भी अति ना हो। फिर ये क्या है, कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए हत जगह होता है, यानी यूपी में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में हत जगह होता है, रात भर भगवान के भजन गाए जाते हैं, जगा जाता है, फिर ये ठीक नहीं है क्या, प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो यही हुआ ना कि जागा तो नहीं बचा ना, दिन रात भर जगे रहे। ऐसा नहीं होता क्या है कि सत्संग के कारण जब हम जगते हैं ना, तो एक प्रकार का सात्विक आनंद मिलता है, और वो जो सात्विक आनंद है उसके कारण हम भगवान से जुड़ जाते हैं। क्योंकि हम जगते क्यों हैं, भजन में जगते हैं, भजन में हम रममाण हो जाते हैं, भजन का जो अर्थ है, जो भगवान का रूप है, उसी में हम लीन हो जाते हैं, वो सात्विक आनंद है। तो वहाँ उस आनंद में भी विश्राम मिलता है, शांति मिलती है, वो यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ ये जो जागरण है ना, वो गुणातीत तत्व की ओर जाता है, वो आगे आएगा, गुणातीत जो है वो आगे आएगा, लेकिन त्रिगुणों से अतीत हो जाते हैं हम, और इसके वो यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग वो अपना मोबाइल ही लेके बैठते हैं, रात रात जग रहे हैं, या कोई पिक्चर हॉल जाते हैं, आजकल कम है, लेकिन वो भी जाते हैं, बस वही बेकार को हाथ का जगना, ये जो है वो कभी भी योगी हो नहीं सकता। आगे क्या बतलाते हैं, फिर योग किसको मिलेगा, तो इसलिए भगवान उसका गुह्य बताते हैं, 17वां श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये है असली गुह्य, योगो भवति दुःखः, हा यानि हरण करने वाला, दुःखः भव होता है माने दुःख हरण करने वाला होता है। देखिए दुख से कोई नहीं छूटा, अलग अलग तरह के दुख होते हैं, किसी को स्वयं का स्वास्थ्य ठीक नहीं, यही दुख होता है, किसी को किसी प्रिय व्यक्ति की मौत का दुख होता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, दुख की जातियां अलग भले ही हों, दुख तो हर एक के जीवन में है, लेकिन इस दुख से दूर जाना है, परम शांति का अनुभव करना है, तो क्या है, योगो भवति दुःखः, योग जो है वो दुःखः भवति, वो दुख दूर करता है। तो किसका ये बतलाया है भगवान ने, युक्ताहार विहारस्य, एक बात, आहार और विहार, आहार यानी आप जानते ही हैं, और विहार यानी घूमना फिरना, इसका मतलब है पूरा व्यवहार, किसी से बात करते हैं, हम अपने कार्यालय जाते हैं, वहाँ से लौटते हैं, कुछ भी जो भी करते हैं, या घर में अपने पत्नी से बच्चों से बात करते हैं, ये सब जो है वो विहार में आ गए। तो आहार और विहार यानी भोजन और व्यवहार, ये युक्त हो। अब ये युक्त हो यानी कैसा हो, युक्त हो यानी वो सीमित हो, और किसी भी तरह से मर्यादा का उल्लंघन करने वाला ना हो, माने आहार कैसा हो, सीमित हो यानी जितना हमें देह धारणा के लिए आवश्यक है उतना ही हो। हाँ भाई आज बहुत अच्छा बना है ये, तो मैं ज़्यादा खाऊंगा ना, ये योगी का धर्म नहीं है। तो कितना भी अच्छा बना है तो हाँ जरा बतलाइए हंस कर पत्नी से कि हाँ भाई आज सब्जी बहुत बढ़िया बनी, तो अच्छा लगता है जी। कई पति ऐसे होते हैं, अच्छा है तो कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर नमक कम है
मिर्ची ज़्यादा हो गई तो ज़रूर बोलेंगे अरे आज तुमने ये किया। अरे भाई पत्नी बनाती है, मेहनत से बनाती है और आपको अच्छा लगे इसीलिए बनाती है। जरा अच्छा लगा है तो बोलिए ना, जितने पति सुन रहे हैं वो जरा ध्यान में रखें कि इतना बोलने से भी योगी हो सकता है भला। क्यों कि यहाँ युक्त विहार भी हो गया, आपका आचरण भी युक्त हो गया। तो युक्त आहार, सीमित आहार हो वो भी पौष्टिक हो, अच्छा हो, अधिक ना हो, कम भी ना हो, ये जो है वो युक्त आहार है। और विहार यानी व्यवहार, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से, कर्म जो हम करते हैं हर एक को कुछ ना कुछ कर्म तो विहित है ही। यदि आप कार्यालय जाते हैं तो कार्यालय काम आपका कर्म है जो भी है, और यदि आप खेती करते हैं तो वो विहित कर्म है, व्यापार करते हैं तो वो जो खरीदना और बेचना है वो विहित कर्म है। तो ये जो भी कर्म है वो कैसे हो, वो युक्त हो। व्यापार कर रहे हैं तो ये देखिए कि व्यापार तो हम निश्चित रूप से लाभ के लिए करते हैं, अगर 10 रुपए की वस्तु हम 10 रुपए में ही बेचेंगे तो क्या फ़ायदा, तो वो तो हमें महंगी बेचनी है, लेकिन 10 की वस्तु हम 11 या अधिक से अधिक 12 में ही बेचें। 10 की वस्तु अगर हम 16-17 में बेचेंगे तो ये ठीक नहीं। ये जो है ये युक्त आचार हो गया। और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म जो है उसमें जो चेष्टाएँ हैं, चेष्टा यानी हमारे हलचल, हमारे प्रयास। तो चेष्टा का मराठी वाले वो अर्थ मत लीजिए, मराठी में चेष्टा का अर्थ भिन्न होता है, यहाँ संस्कृत में चेष्टा का अर्थ वही है जो हिंदी में लिया जाता है। तो चेष्टा यानी प्रयास, प्रयत्न। तो कर्मसु, कोई भी कर्म करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ प्रयास तो करना ही है, वो जो प्रयास है वो युक्त हो। यानी इतना भी ना हो कि हम अपने देह को भूल जाए और पूरा करते ही रहेंगे, वो भी गलत है। परंतु कम हो, आलसी को ना करें, वो भी गलत है। इसलिए युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो भी हमारे विहित कर्म है उसमें युक्त रहना, यानी योग्य तरीके से उतने ही अनुपात में कर्म करना चाहिए। और कैसा युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न का मतलब निद्रा है, सपना नहीं, युक्त स्वप्न यानी युक्त निद्रा भी लेनी चाहिए। जितनी निद्रा आवश्यक है उतनी निद्रा लेनी ही चाहिए। 24 घंटे का हमारा दिन होता है यानी दिन और रात मिलके, तो उसमें हमें 6 से 8 घंटे निद्रा आवश्यक है, तो उतनी लेना ही है, ऐसा नहीं कि हम ये करें। तो ऐसा भी नहीं है कि 12 घंटे सोते रहें, आधा दिन नींद में बीत गए, ऐसा भी ना हो। तो युक्त स्वप्न अवबोधस्य, अवबोध यानी जगना। अब युक्त जगना माने क्या भाई, यानी जगते रहने का भी समय निर्धारित हो। अब यहाँ जो व्यापारी हैं वो ध्यान में रखें कि यहाँ स्वप्न अवबोध क्या है। स्वप्न यानी नींद, नींद माने व्यय, जो आप व्यय करते हैं, जितना खर्च करते हैं। और अवबोध यानी जगना, जगना यानी उसका जो आय है, जो हमें इनकम मिलता है। तो हमारा खर्चा और हमारा लाभ, आय और व्यय, इसमें भी संतुलन हो। युक्त स्वप्न अवबोधः, जो हम करें यही तो है युक्त विहार, युक्त आचरण वही है कि हम लाभ तो लें, लाभ नहीं लिया तो व्यापार करने का मतलब ही नहीं है। लेकिन वो लाभ कैसे लेंगे, जितना हमने लाभ लिया है उसका कुछ, हमारा धर्मशास्त्र तो कहता है षष्ठांश यानी छठा भाग, तो जितना हमें लाभ होता है उतना छठा भाग हमने समाज के लिए खर्च करना चाहिए। यदि हम व्यापार नहीं करते, नौकरी करते हैं, हमें वेतन मिलता है, वेतन का भी छठा भाग धर्मशास्त्र कहता है, यहाँ गीता में नहीं है,
लेकिन ये धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जितना भी हम पाते हैं उसका छठा भाग समाज के हित के लिए खर्च करना ही है। ये है युक्त स्वप्न अवगोध। वरना अगर उसका शब्दशः अर्थ लेंगे कि योग्य रूप में सोना और योग्य रूप में जगना, अरे भाई तुमने यदि नियमित सीमित संतुलित निद्रा ली तो निश्चित रूप से जितना निद्रा का समय गया उतना छोड़ के सब आप जगते ही हो, तो फिर वो संतुलित हो ही गया, फिर इसका मतलब क्या आया बतलाने का। तो इसलिए यहाँ उसके भीतर लक्षणा से लाक्षणिक अर्थ ये भी है कि युक्त स्वप्न अवबोध यानी युक्त आय युक्त व्यय। ठीक है, स्वप्न माने व्यय और जागरण माने आय। तो युक्त स्वप्न अवबोधस्य ऐसा जो रहेगा उसके लिए योगो भवति दुःखः। तो योग जो है वो दुःखः होता है। अब योग यानी यहाँ क्या मतलब है? आसन प्राणायाम ये भी हो सकता है, लेकिन योग का मतलब ये है कि ईश्वर से जुड़ जाना। भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो, अर्जुन कौन है? अर्जुन एक क्षत्रिय है, राजवंशी है, और इसलिए क्षत्रिय का जो धर्म है वो उसने निभाना ही है, और वो निभाना यानी उसका युक्त आहार युक्त विहार है। युक्त आहार तो वो करता ही होगा, उसका कहीं निर्देश नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि जो जिस अर्जुन को भगवान इतने प्यार से समझा रहे हैं वो तो युक्त आहार का तो पालन करता ही होगा। फिर बकासुर सरीखा नहीं होगा कि खाते ही जाओ, ऐसा नहीं होगा, ये निश्चित है। तो युक्त आहार तो है, युक्त विहार की बात कही है ये कि जो ऐसा है, जो अपना जो वर्ण है, जो आश्रम है, उसके लिए योग कर्म जो करता है वो भी योग है। प्राणायाम करिए, आसन करिए, ध्यान धारणा करिए, हो सकता है समाधि तक आप जाए, हो सकता है जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, लेकिन ये जो भी करते हैं वो सब कैसा हो? युक्त हो। ठीक है, तो ऐसा यदि हुआ हर चीज में संतुलन, ये है हमारे धर्म का वैशिष्ट्य। यही विशेषता है कि हम कभी भी फंडामेंटलिस्ट नहीं होते। हमारे यहाँ संतुलन है कि भाई आहार में भी संतुलन हो, विहार में भी संतुलन हो, जागरण में भी, सोने में। ये जो बताया है ये हमारे धर्म की विशेषता है और इसको भूलना नहीं चाहिए। ये है गीता का संदेश। फिर आगे क्या बताते हैं अगले श्लोक में, देखिए। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तदा युक्तः इति उच्यते, तदा तब कहीं वो व्यक्ति युक्तः इति उच्यते, तब कहीं उस व्यक्ति को युक्त कहा जाता है। युक्त माने जो योग के साथ ही रहता है, यानी ऐसा नहीं है कि दिन भर समाधि में रहेगा या दिन भर आसन ही करता रहेगा या दिन भर प्राणायाम ही करता रहेगा, वो नहीं है। वो जो है वो युक्त है, यानी जुड़ा हुआ है भगवान के साथ, वो कभी भी अलग नहीं होता। यहाँ मुझे अचानक याद आ रही है समर्थ रामदास की एक उक्ति। उन्होंने भक्त का क्या विशेषण दिया है? यहाँ हम युक्त की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भक्त की जो परिभाषा की है कि जो कभी विभक्त नहीं होता वो भक्त है। विभक्त होना यानी अलग होना, जो कभी भगवान से अलग ही नहीं होता, चाहे कुछ भी काम करता है वो भगवान का ही काम है। काम है तो भगवान का है, भगवान के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, और जो भगवान मेरे सामने दिखते हैं उनके लिए है। तो ये जो है विभक्त ना होना,
यही तो युक्त है। युक्त माने क्या? जुड़ा रहना, यानी विभक्त नहीं होना। यहाँ ये बतलाया है कि यदा विनियतम चित्तम, चित्त कैसा हो? विनियत हो। नियत शब्द का अर्थ क्या है? नि है उपसर्ग और यत में धातु है यम। नियत माने जो नियमित है, चित्त नियम से बद्ध है, यानी कहीं भी वो चित्त जो है बेकाबू नहीं होता, किसी भी चीज़ के लिए कभी वो चित्त लालायित नहीं होता, दुखी नहीं होता, कुछ मिला नहीं इसके लिए वो उदास नहीं होता। ऐसा जो चित्त है वो विनियत चित्त है। और ऐसा विनियत चित्त कहाँ होगा? आप बोलेंगे ध्यान में होगा। हाँ, निश्चित आपका कहना बिल्कुल सही है, ध्यान में होगा। लेकिन क्या हम दिन भर 24 घंटे क्या हम ध्यानस्थ रह सकते हैं? ना। फिर ये विनियत चित्त कैसे हो? भाई ध्यान में तो है ही विनियत चित्त, इसमें तो वो शत प्रतिशत सत्य है। लेकिन जब हम ध्यानावस्था में नहीं है, कर्म कर रहे हैं, वो कर्म करते हुए भी भगवान की विस्मृति ना हो। जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें यदि मैं ऐसा कुछ करूँ तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। यदि मैं व्यापार कर रहा हूँ उसमें कुछ धांधली की, भगवान रुष्ट हो जाएंगे। ये जो ध्यान में रखता है तो उसका चित्त सदैव विनियत रहता है। ध्यान में तो रह गई, पूजा के समय में तो रह गई, लेकिन जब वो पूजा या ध्यान में नहीं है तब भी उसके हाथ से कोई अनुचित कर्म नहीं होगा। तदा युक्त इत्युच्यते, आखिरी शब्द है ये, तब कहीं वो युक्त कहलाएगा। और वो चित्त कैसा है? देखिए, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। अवतिष्ठते यानी स्थिर होता है, स्थित होता है, आत्मनि एव आत्मज्ञान में ही स्थित है। यानी देखिए, ध्यानावस्था में तो होता ही है, इसमें शक नहीं कि जब हम ध्यान में रहे हैं, आंखें हमारे बंद हैं, हमारे मूंदी हुई आंखों के सामने भगवान की मूर्ति या जो भी आपका आराध्य दैवत हो या कुछ भी हो, ब्रह्म हो, ज्योति हो, वो आपके आंखों के सामने है, तब तो हमारा चित्त डावाडोल होता ही नहीं, स्थिर रहता ही है। लेकिन जब हम कुछ काम कर रहे हैं तब भी हमारा चित्त डावाडोल ना हो, अवतिष्ठते स्थिर रहे। और कहाँ? आत्मनि आत्मज्ञान में, मेरे हाथ से कुछ भी अनुचित ना हो, ये सोचते हुए आत्मनि एव अवतिष्ठते। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, जब ये विनियत नियमबद्ध, ऐसा नियम माने ये नहीं जो हम सोचते हैं, यम नियम, ठीक। तो ये जो है यम नियम, नियम में क्या आता है? शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि नियमाः, नियम की ये परिभाषा दी है। शौच अंतर्बाह्य शुचिता, संतोष जितना मिला है उसमें संतुष्ट, और अधिक की हाव हाव नहीं, संतोष। तप, तप याने सहिष्णुता। स्वाध्याय याने दोनों है, जो भी हम पढ़े हैं उसका ये उसके अनुभव के मन ही मन करते रहना, वो भी स्वाध्याय है। और सबसे महत्व का है ईश्वर परिधान, ईश्वर का परिधान। धा धातु का अर्थ है रखना, धारण करना, ठीक। और यहाँ प भी लगा है, ने भी लगा है, प यानि प्रकर्षण, नि यानि नितांत। तो प्रकर्षण नितांत जो भगवान का ध्यान है वो नियम कहलाता है, और वो नियम जिसका है वो विनियतम चित्तम। तो जब हमारा चित्त ऐसे नियमों से बद्ध होगा
और आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मज्ञान में ही स्थिर होगा, तो निश्चित रूप से उसको कोई इच्छा तो आएगी नहीं ना। इच्छा किसको रहती है? जिसका मन यहाँ वहाँ दौड़ता है, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे पड़ोसी के घर में है, मुझे चाहिए, हो गया, चित्त डामाडोल हो गया। लेकिन जिसका चित्त स्थिर है तो उसको स्पृहा कहाँ से आएगी? तो इसलिए आगे है, निस्पृहा सर्व कामेभ्यो, सारी की सारी कामनाओं से जो निस्पृहा है, स्पृहा माने इच्छा, निस्पृहा है यानी निरीक्ष है। अब निरीक्ष कौन रहेगा? जो तृप्त रहेगा, जिसको किसी चीज की अपेक्षा ही नहीं है। अपेक्षा छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाता है। ये है भगवान का यहाँ संदेश। अर्जुन को तो है ही है, हमको भी है, और इसलिए हमने जो हमारे गुरु जी कहते हैं कि गीता पढ़ें, पढ़ावें और यहाँ तक ना रुके, जीवन में लावें, तो ये जीवन में लाना है। और इसलिए ये बतलाया है, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, फिर से एक दफा ऐसे पढ़ेंगे कि यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, निस्पृह सर्व कामेभ्यो, सारे वासनाओं का क्षय हो जाता है, तब युक्त इत्युच्यते तदा। अब देखिए, अब यहाँ से इस श्लोक से लेके तो 21वें श्लोक तक, अब मुझे नहीं लगता आज 21 तक होंगे, लेकिन जो भी है यहाँ तक जो है वो पूरा मन को स्थिर रखने के उपाय बताए हुए हैं। क्या बताया है देखिए, अब अगला श्लोक तो एक अलंकार का भी उदाहरण है। आपने साहित्य शास्त्र शायद पढ़ा होगा, जो कोई आर्ट्स फैकल्टी के हैं उन्होंने पढ़ा होगा, जो दूसरे फैकल्टी के हैं उन्होंने शायद शालेय जीवन में पढ़ा होगा, कुछ थोड़े बहुत अलंकार तो पढ़े ही होंगे ना शालेय जीवन में, उपमा उत्प्रेक्षा इत्यादि। तो यहाँ देखिए उपमा है, अगला श्लोक देखिए, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत चित्तस्य योगिनः, जो योगी है, पहले तो योग की व्याख्या तो यहाँ बताई दी है कि योग किसको कहते हैं, पहले ही सब ये दोनों श्लोकों में बता दिया है कि वो युक्ताहार विहार हो इत्यादि से शुरू होके चित्त विनियत हो, ये सब है, वो योगी कहलाया, क्योंकि पहले ही बतलाया है कि उसको युक्त इत्युच्यते तदा, ठीक है। अब जो योगी है कैसा हो? यत चित्त, जिसका चित्त यत हो। यत हो यानी यत का मतलब क्या? यत शब्द हुआ है यम धातु से, यम धातु का अर्थ है नियंत्रित करना, काबू में रखना, चित्त जिसके काबू में है। असल बात यह है, हम अपने हाथ पांव पे तो नियंत्रण कर सकते हैं, सोच लिया कि वहाँ नहीं जाएंगे तो पांव नहीं जाते, सोच लिया कि ये काम नहीं करेंगे तो हाथ नहीं करते, हम अपने देह पर नियंत्रण भले ही रख सकते हैं, चित्त पे नियंत्रण पाना बड़ा कठिन है ना। इसलिए ये बोला है जो यत चित्त है, और यत चित्त कौन होगा? केवल योगी। तो इसलिए बतलाया है यत चित्त से योगिन, दूसरी पंक्ति हम पहले ले रहे हैं, यत चित्त से योगिन, और जो क्या करता है योगम युंजतः। इतनी मजेदार बात है, योग का अर्थ क्या है? जुड़ जाना है ना, योग यानी जुड़ जाना। अब यहाँ ये क्या बोल रहे हैं? योगम युंजतः, योग से जुड़ने वाला। अगर भाई योग यानी ही जुड़ना है, अब उससे जुड़ना माने क्या? माने ईश्वर से जुड़ने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से क्षण भर भी अलग नहीं होना। ये कब होगा? जब चित्त जो है वो यत होगा, यत होगा यानी हमारे नियंत्रण में रहेगा, वरना चित्त जो है ना मन,
वो मन हमेशा साथ देता है इंद्रियों का, और इंद्रियां तो यहाँ वहाँ दौड़ती रहती है, और मन ने अगर उनका साथ दिया तो मन भी यहाँ वहाँ दौड़ता रहेगा। और जो यत चित्त है, जिसका मन अपने काबू में है, तो वो कैसा होगा? योगम युंजता, यानि वो योग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आत्मनः, स्वयं से जुड़ा हुआ है, या आत्मनः योगम, स्वयं के योग से जुड़ा हुआ है, दोनों तरह से इसका अर्थ लिया जा सकता है। जो स्वयं से जुड़ा हुआ है माने, अब आप सोचेंगे स्वयं से जुड़ा हुआ है माने मतलब ही है स्वार्थी है। नहीं जी, ये स्वार्थ कौन सा है, ये स्व कौन सा है? ये स्व माने वही है जो उस परमात्मा का अंश है। ये उस जिसने सोच लिया, आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो गया। तो आत्मज्ञान से पूर्ण जो है, जो यत चित्त है, यानी चित्त जिसके नियंत्रण में है, और जो योगम युंजत है, यानी जो योग से जुड़ा हुआ है, तो वो कैसा है? अब हम पहली पंक्ति लेंगे, उसके लिए भगवान बोलते हैं सा उपमा स्मृता। सो उपमा स्मृता लिखा है ना, सा उपमा, उसके लिए वो उपमा है। कौन सी उपमा है? यथा दीपो निवातस्थो, बड़ी ही सुंदर उपमा है। देखिए, दीप यानी आज हमारे आँखों के सामने वही आते हैं, ट्यूबलाइट इत्यादि, वो नहीं, उन दिनों इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उन दिनों दीप थे माने वही तेल के या घी के लिए, ठीक। अब वो जो दीप है, उसकी जो ज्योति है, वो ज्योति हवा आएगी तो ये होगी, थपथपाएगी, हिलेगी, कंपित होगी। हवा नहीं है, हवा नहीं है माने ऑक्सीजन तो चाहिए, नहीं तो वो तो बुझ जाएगी। हवा नहीं है माने उसको हिलाने वाली हवा नहीं है, तो वो ज्योति कैसे रहेगी? स्थिर रहेगी ना। ये बताते हैं कि योगिनो यत चित्तस्य सा उपमा स्मृता, जिसका चित्त स्थिर है उसके लिए वो उपमा है। कौन सी? कि जिसका चित्त स्थिर है। कितना स्थिर है? कि भाई निर्वात, निर्वात नहीं बोलना चाहिए, निर्वात में तो घुस जाएगा, यानी जहाँ हवा का झोंका नहीं है। हवा का झोंका ज्योति को कंपित करता है। ये हवा का झोंका यानी क्या? हमारे वासनाएं, इच्छाएं, मन जो यहाँ वहाँ दौड़ता है, उसके कारण हमारा हृदय जो डावाडोल होता है, ये डावाडोल ना होना, स्थिर रहना। तो दीप की ज्योति स्थिर कब आएगी? जब उसको हवा कंपित नहीं करेंगी। इसलिए बोला है निवातस्था स्थ, वो ज्योति ऐसी है। अब हम ये करते हैं ना, वो कांच की जो रहती है, दिया जलाया और वो ना बुझे करके हम बाजों में कांच का वो लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जिससे कि वो ज्योति स्थिर रहे। फिर वो ज्योति जैसी स्थिर रहती है, देखिए ज्योति ही क्यों, ज्योति प्रकाश देती है। ये प्रकाश आत्म प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, वो स्थिर है, यानि यहाँ वहाँ नहीं दौड़ता है। निवातस्था दीप, ये दीप, इसकी उपमा उस योगी के चित्त को दी गई है। योगिनो यत चित्तस्य, कितनी सुंदर उपमा है ये जो बतलाया है। यहाँ दीप ही क्यों बोला? देखिए, दिया जो है ना, उसकी ज्योति ऊर्ध्वगामी है, नीचे नहीं आती है ना। या है हमारे भक्त महाराज का श्लोक है, वो जाने दीजिए, समय जाएगा। यानी बोला है कि वो जबान यदि दीप दिया ऐसा किया, मान लीजिए एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती उसकी ज्योति ऊपर है, आपने मोमबत्ती को जबान आड़ी धरी, आड़ी पकड़ी, तो ज्योति यूँ नहीं जाएगी, वो ऊपर ही जाएगी। क्यों भाई? प्रकाश जो है वो ऊर्ध्वगामी ही होता है, उससे उत्कर्ष ही होगा, हमारी बुद्धि का उन्नयन ही होगा। और ये जो है,
यह आत्म प्रत्यय वाले चित्त का यह धर्म है। जिसको आत्म प्रयत्नशील चित्त है वो हमेशा ऊर्ध्वगामी आएगा। और देखिए अभिषेक हम करते हैं, अभिषेक कैसा है? अधोगामी है। इसलिए देखिए अधोगामी यानी खराब है क्या? ना, भगवान की कृपा का प्रतीक है वो, ऊपर से वो कृपा हम तक आ जाए। तो इसलिए देखिए जब हम ध्यान करते हैं ना, तो यदि हम अंधेरे में बैठे हैं तो चिंतन करें अभिषेक धारा का, यानी ऊपर से वो कृपा हम पर आ जाए। और यदि हम प्रकाश में हैं तो हम ध्यान करें दीप ज्योति का जो ऊर्ध्वगामी है। ये हम किसी बहुत बड़े महात्मा ने कहा होगा, इसलिए मुझे अभी याद आया। मुझ में तो उतनी है नहीं है कि मैं सोचूं, लेकिन पता नहीं ये अभी क्यों स्ट्राइक हुआ, शायद किसी महात्मा ने कहा होगा, वो मेरा दिमाग में है। तो ये जो है ऊर्ध्वगामी चित्त की बात है। फिर यहाँ बतलाया है ऐसा जो चित्त है स्थिर आकाशमय आत्मज्ञान से युक्त, तो वो हमेशा सुखी ही रहेगा। इसके लिए अगला श्लोक है, यत्रो कामते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। इतना सुंदर श्लोक है। यत्र निरुद्धं चित्तं, ये निरुद्ध चित्त जो है ना, तो जिन्होंने पातंजल योग पढ़ा है उन्हें तो मालूम होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए एक थोड़े से बताती हूँ कि चित्त जो है उसकी अवस्थाएं होती है। सामान्य आदमी का चित्त यहाँ वहाँ भटकता है, उसको विक्षिप्त चित्त कहेंगे। विक्षिप्त का अर्थ वो है मराठी का नहीं लेना, यानी यहाँ वहाँ ढूंढने वाला। फिर जब चित्त वृत्ति निरोध किया जाता है, यानी चित्त की वृत्तियों को यहाँ वहाँ घूमने से जब स्थिर किया जाता है, उसको निरोधक शब्द है, निरोध यानी अटकाव। तो ऐसा जिसने साध लिया उसका चित्त निरुद्ध कहलाता है और वो एकाग्रता के समीप जाता है। तो यहाँ ये बोला है कि यत्र चित्तम निरुद्धम, जब चित्त निरुद्ध होता है यानी उसने निरोध पर काबू पा लिया है। अब ये निरुद्ध कब होगा? त्रिपुटी का लय होना, आप जानते होंगे ये शब्द। त्रिपुटी है यानी ज्ञाता है कोई जो व्यक्ति, ज्ञेय है जो वस्तु, किसी का ज्ञान करना है। एक वस्तु होती है ज्ञान की, एक जानकार व्यक्ति होता है और एक क्रिया होती है ज्ञान की। तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों को त्रिपुटी कहते हैं। कहीं भी लगाइए, कर्ता, कर्म वस्तु और कार्य, ये भी त्रिपुटी है। तो जहाँ त्रिपुटी का लय हो गया वो है निरुद्ध चित्त। यहाँ ये बोला है यत्र योग सेवया, योग सेवया यानी योग सेवा माने सेवा, क्या कहोगे, योग की अनुष्ठान, योग के अनुष्ठान से जहाँ चित्त निरुद्ध हो गया, चित्त पूरे तरह से स्थिर हो गया, यहाँ वहाँ नहीं भटक रहा है, तब उपरमते, कितना सुंदर शब्द है, रमते यानी रममान होता है, और उपरमते, उप यानी पास में, किसके पास में, अजी उसके पास में। तो जहाँ हमारा चित्त भगवत तत्व के पास जाके रममान होता है, यत्रोपरमते चित्तम, चित्त कैसा, योग सेवया निरुद्धम, तो ऐसा निरुद्ध चित्त जहाँ वहीं पे रममान होता है। और अगली जो पंक्ति है उसमें आत्मन शब्द तीन बार आया है और तीनों बार उसकी विभक्तियाँ अलग अलग है। देखिए यत्र चैव आत्मना तृतीया, आत्मानं द्वितीया,
पश्यन् आत्मनि पुष्यति, आत्मनि सप्तमि। क्या है जो चित्त है वो तो क्या करता है, आत्मानं पश्यन् स्वयं को ही देखता है। अब स्वयं को देखता है माने जैसे हम आईने में देखते हैं वैसा ना, आईने में हम अपना चेहरा देखते हैं। चेहरा यानी देह की बात है, आत्मा की बात नहीं है। आत्मा आईने में नहीं दिखता, आत्मा बस ध्यान में दिखता है। तो आत्मानं पश्यन् यानी स्वयं को देखता हुआ। और स्वयं को देखे कैसे, आत्मना प्रक्रिया है स्वयं के ही प्रयास से। अब स्वयं का प्रयास यानी ध्यान, तो ध्यान लगाकर आत्मानं पश्यन् स्वयं को देखता हुआ फिर क्या होता है, तुष्यति संतुष्ट हो जाता है। ऐसे कुछ अजीब दिव्य आनंद की अनुभूति होती है कि और किसी की इच्छा ही नहीं होती। जहाँ परम आनंद मिल गया वहाँ साधारण आनंद की कौन सोचता है। परमानंद जिसको मिल गया इसलिए वो बोला है आत्मनि तुष्यति। आत्मनि तुष्यति यानी आत्मनि सप्तमी है, सप्तमी बताती है स्थान। स्वयं में ही वो खुश है। देखिए क्या है, आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। स्वयं के प्रयास से आत्मा को देखते हुए स्वयं में ही रममाण होता हुआ वो स्वयं में ही तुष्यति परमानंद का अनुभव करता है। अब इस अनुभव के बाद अब बचता ही क्या है, अब वो कैसा आनंद है ये हम कल देखेंगे। लेकिन ये जो बात है यहाँ तक के कल के लिए क्यों रुका है, क्योंकि आज कल सुनने तक इसी श्लोक का बार बार हम ये करें कि कैसा होता है। यत्रोपगमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्पचैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि पुष्यति। इसी श्लोक का हम दिन भर यदि इसमें ही डूबते रहे, अवगाहन करते रहे, तो कल जो हम 21वां श्लोक से शुरुआत करेंगे उसका आकलन बहुत जल्दी होगा। तो इसलिए आज हम यही विराम देते हैं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।